बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी अपने 10 बेस्ट फाइंड्स एट अमेज़ोन। अमेज़ोन से जनरली हम लोग बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हर आइटम अमेज़ोन पे मिल जाता है, बट ये 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैंने अमेज़ोन से मंगाए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। सारे प्रोडक्ट आपकी स्किन एंड बॉडी से रिलेटेड है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो थोड़ा सा डिफरेंट है बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि ये 10 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की और वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, ये मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है। इसको मैं ऑयल पुलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, बट अगर आप चाहें तो इसको अपनी कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल बेस्ट कोकोनट ऑयल आता है, अमेज़ोन पर ईजिली अवेलेबल होता है। आप चाहें तो अमेज़ोन पर जाके इसके रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यू है। और ये 500 ml का जार आता है, ये आपको मिल जाएगा 390 रुपीज़ का। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये आप देखिए, ये 390 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल मुझे बेस्ट लगता है अपनी जैसे स्किन के लिए। मैं कामा का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कामा का कोकोनट ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली आता है तो उसको मैं ऑयल पुलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने ऑयल पुलिंग के लिए ये वाला रखा हुआ है, इसको मैं यूज़ करती हूँ। और कामा का जो कोकोनट ऑयल आता है उसको मैं अपनी स्किन पर अप्लाई करती हूँ एज ए मेकअप रिमूवर। तो अगर आप कोई कोकोनट ऑयल देख रहे हैं तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट कोकोनट ऑयल आता है। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, ये फेस लिफ्ट मसाजर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं अराउंड 3 इयर्स से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इवनिंग के टाइम मैं अपने फेस पे वाइटमिन ई ऑयल अप्लाई करके देन इससे मैं 5 to 6 मिनट के लिए मसाज करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग आप इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना हेक्टिक रूटीन होता है, तो जो एक थकावट होती है वो आपके फेस पे भी दिखाई देती है। बट इवनिंग के टाइम आप इससे मसाज कर लीजिए, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और इतना फ्रेश आपकी स्किन फील करेगी। और इससे इस टाइप से आप अपवर्ड मोशन में इस टाइप से आप मसाज कर लीजिए ऐसे, और देन अपनी नेक पे, और इसी टाइप से फोरहेड पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। मेरा तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, ये अर्बन बोटानिक्स का एलोवेरा जेल। ये 100% प्योर एलोवेरा जेल आता है, पैराबेन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, फ्रेगनेंस फ्री है, कलर फ्री है, बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट आता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखिए इस टाइप से, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेगनेंस नहीं है, बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है। और अपनी स्किन पे मैं एलोवेरा जेल ज़रूर अप्लाई करती हूँ समर्स में, चाहे उसको मैं अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करूँ, एज ए मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँ, या इसको मैं एज ए फेस पैक अप्लाई करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है समर्स पे। तो और एज वेल एज आप इसको अपने हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एवरटीन का बिकनी लाइन हेयर रिमूवर क्रीम। गर्ल्स जनरली क्या करती हैं कि अगर उनका अपने बिकनी लाइन हेयर्स को रिमूव करने का जो मेथड है वो रेजर या वैक्सिंग नहीं है, तो मार्केट में जो भी क्रीम अवेलेबल होती है हेयर रिमूवर क्रीम, वो उसी को परचेज करके उसी को अप्लाई कर लेती हैं। वो आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वे जो क्रीम्स होती हैं वो आपके हैंड्स और लेग्स के लिए होती है, वो आपके बिकनी लाइन एरिया के लिए नहीं होती। तो वो आपकी स्किन पर रिएक्शन कर सकती है, आपकी स्किन पे एलर्जी कर सकती है। तो अगर आप कोई हेयर रिमूवर क्रीम देख रहे हैं, आपको अपना बिकनी लाइन हेयर रिमूव करने हैं, तो आप इस क्रीम को अमेज़ोन से मंगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है। और ये आपको ओनली 179 रुपीज़ की मिल जाएगी, ईजिली अमेज़ोन पर अवेलेबल होती है, तो इसको एक ट्राई देके आप देख सकती हैं, बिल्कुल बेस्ट क्रीम आती है। और मेरा नेक्स्ट जो बेस्ट अमेज़ोन फाइंड्स है वो है ये ड्राई ब्रश। ये ड्राई ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए। बात लेने से पहले आप, या शावर लेते हैं, बात लेते हैं, उससे पहले आप इस टाइप से इसको लीजिए, पूरा अपनी बॉडी पे ऐसे ड्राई मसाज कर लीजिए। ये आपका जो भी डेड सेल्स होते हैं स्किन के उसको रिमूव करता है, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे आपकी स्किन ग्लो करती है, ब्राइट होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है।
और ये भी मतलब मेरा बेस्ट अमेजोन फाइंड्स है। और इस टाइप के ब्रश आपको अराउंड 500 रुपीज़ ईजिली अमेजोन पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाला ब्रश चाहिए, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये दो का पैक आता है, एक ये है और एक मेरे पास अभी तक ये ऐसे पैक ही रखा हुआ है। ये देखिए, अभी तक मैंने ये ओपन नहीं किया, इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो ये दो का पैक आता है, अराउंड मुझे 400 समथिंग कुछ मिला है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये विस्केयर की ग्लिसरीन। विस्केयर की ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, 100% वेजिटेरियन आती है। अगर आप ग्लिसरीन यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि ग्लिसरीन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप की आती है। ये 100% वेजिटेरियन आती है और ग्लिसरीन आपकी बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने अपनी शायद पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि विंटर्स में तो मैं ग्लिसरीन, रोज वाटर, नींबू का जो भी एक लोशन हम इक्वल क्वांटिटी में लेके बनाते हैं, मैं उसको पूरा विंटर्स में उसको यूज़ करती हूँ। और समर्स में भी जब स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है या जब हवा चलती है तो आपकी स्किन बहुत ही रूखी रूखी सी हो जाती है, तब भी मैं ग्लिसरीन को यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और आप चाहें तो ग्लिसरीन को लेके आप अपना फेस वॉश करके और डायरेक्ट आप कॉटन पैड में लेके इसको अपनी स्किन पे 10 to 15 मिनट अप्लाई कर सकते हैं, फिर वॉश कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्किन में, अगर आपकी स्किन में एक मॉइस्चर नहीं है, डिहाइड्रेटेड है, ड्राई हो रही है, तो बिल्कुल बेस्ट है। अगर हेयर्स आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो एज ए कंडीशनर आप इसको हेयर्स में लगा सकते हैं। और ये इस टाइप से पम्प्स में आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्लिसरीन आती है, बिल्कुल मतलब बेस्ट आती है ये। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है ये टाइनी सा नेल ब्रश। ये इजीली अमेज़ोन पे अवेलेबल होता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपके नेल्स में यहाँ पे डर्ट हो जाती है, तो रेगुलर बेसिस पे अपने नेल्स क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मेरे नेल्स बड़े में रखती नहीं हूँ, बट फिर भी यहाँ से जो छोटे छोटे नेल्स होते हैं उनमें भी डस्ट हो जाती है, तो इससे मैं रेगुलर बेसिस पे अपने नेल्स को क्लीन करती हूँ। ये अंडर 100 रुपीज़ आपको ईजिली मिल जाता है और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट मुझे ये लगता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मसाजर। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इससे आपको जब थोड़ा सा आपको थकावट फील हो रही है तो आप अपनी हेड पे मसाज कर लीजिए। अभी हेड पे तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि पूरे हेयर्स को ये मिसमैनेज कर देगा। इस टाइप से ऐसे ऐसे करके इसे मसाज करते हैं, इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इसे मसाज करना। और ये आपको अंडर 100 रुपीज़ मिल जाएगा, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है। और इसे जब मसाज करते हैं इतना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है मुझे, तो मतलब ये भी मेरा बेस्ट अमेजोन फाइंड्स है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्क्रंचीज़। ये मैंने नेवी ब्लू कलर की कुछ स्क्रंचीज़ मंगाई हुई है, आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये 3 के पैक में भी आती है, 6 के भी, और आप अगर ज़्यादा चाहते हैं तो उसके पैक में भी आती है। आपको सिल्क में भी मिल जाएगी, वेलवेट में भी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट लगता है। आपको हेयर्स को अगर आपको लो बन बनाना है या पोनीटेल बनानी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इसके लिए। और ये भी मुझे अमेजोन से बिल्कुल अपना बेस्ट फाइंड लगता है। आज की वीडियो का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो हमारे स्किन केयर एंड बॉडी केयर से थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक प्रोडक्ट हमारे स्किन एंड बॉडी केयर से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो है ये एडल्ट कलरिंग बुक। ये अमेज़ोन का जो अपना होम ब्रांड है सोलिमो, उसकी ये बुक आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे अभी लॉकडाउन है, हम सब अपने घरों में हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोगों का पूरा दिन करने के लिए कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है, कि नहीं तो एक बोरियत सी हो जाती है घर में रह के, कि कितना देर हम नेटफ्लिक्स पे कोई भी सीरीज़ या मूवी देखेंगे, कितना देर हम मोबाइल चलाएंगे, इंस्टा चेक करेंगे, फिर भी हम लोगों के पास टाइम होता है कि कुछ डिफरेंट एक्टिविटी की जाए। तो उसके लिए ये कलरिंग बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें इस टाइप से मैं आपको दिखाती हूँ, इस टाइप से ये कलरिंग के लिए आती है, या आप देखिए इस टाइप से ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें आती है और आप इनको कलर कर सकते हैं अगर आपको कलर करना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बिल्कुल मुझे बेस्ट चीज़ लगी है जो मैंने अमेज़न से मंगाई है। तो अगर आपको भी कलरिंग का शौक है तो आप इसको मंगा सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट 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 प्रोडक्ट मुझे ये लगा है। तो ये थी आज की वीडियो, मेरे 10 बेस्ट फाइंड्स जो मुझे अमेज़ोन से मिले हैं, मैंने अमेज़ोन से मंगाए हैं। आपको कैसे लगे, कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।